की गई है कहीं से मुझे मालूम नहीं कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूँ। देखिए मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा। दिल्ली में मुझे नहीं किया गया, कोई बात नहीं, मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहाँ हिम्मत के साथ में लड़ी। लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वॉट वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स मी थिंक एंड वंडर। क्रोनीइज्म, वी फाइट अगेंस्ट क्रोनीइज्म, बट वी हैव अ क्रोनी क्लीक दैट रन्स द पार्टी, माफ कीजिएगा, बट वी हैव अ क्रोनी क्लीक दैट रन्स द पार्टी एंड टेक्स इम्पल्सिव डिसीजंस विच शी लर्न अबाउट लेटर। आई फाइंड इट अमेजिंग दैट वी कैनॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वराज विद इन आवर ओन पार्टी। When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making, is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? So हम लोग हमेशा cronyism की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना brilliant इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई ना पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए हैं पूरी तरह से अरविंद को, और वही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं, और उनके अंदर तो जाने का मैं भी नहीं, तो सोचिए अब आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। तो करना, बार बार धरना करना, प्रदर्शन करना, अपने आप में उसके फायदे रहे होंगे बुनियादी तौर में, लेकिन अब हमें लगता है कि वो पूरा उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह हो गया है, और लोगों का भी भरोसा इसमें हमारे अंदर कम होता जा रहा है जितने ज्यादा हम इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आर नेमिंग सब कॉर्पोरेट हाउसेज एंड पॉलिटिशियंस कंटिन्यूसली इनफ, क्या ये काफी है कि बार बार हम कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज को और पॉलिटिशियंस का नाम लेते रहे? द कंट्री इज गॉन थ्रू इनफ ट्रॉमा, वी प्लेड अ ग्रेट रोल इन गैल्वेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, even converting it into a political party. But when we become a political party, we need to evolve and not just assume the garb of agitation. So I feel hame lagta hai ki agitation or pradarshan se zyada kuch aur karna padega, ek reinvent karna padega, ek nayi soch lani padegi, baar baar wahi cheez aap karenge to natije bhi wo aapko nahi milenge, agar aap alag natije chahte hain to cheeze bhi aapko alag se karni padegi।